अगर हम बात करें कम्युनिटी और हाउसहोल्ड में, कम्युनिटी बाथरूम का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि गांव में ज़्यादातर देखा गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं और उनके घर जो छोटे हैं, तो उसमें महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी नहाने के लिए। तब तो यही हालात थे कि हम लोग खुले में नहाते थे और ना तो कोई जगह थी, हम लोग खुले पे ही नहाते थे, आधे नहाते थे, कपड़े पहन के नहाते हैं और उसमें से ना हम सही से साबुन भी लगा पाते ना तो हम सही से नहा पाते हैं। इसमें से हम लोग नहा के कोई देखता है, कोई इस तरफ देखता है, कोई उस तरफ देखता है और हम लोग को जल्दी अंदर जाना पड़ता है। हमको कुछ नहाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि हम नहाया कि नहीं नहाया। बहुत बुरी स्थिति आती कि हम कि हमारे फ्रेंडों के सब लोग हम बाहर कहीं कुएँ पर जाते हैं तो कपड़े पहन के नहाते हैं। जब ये बाथरूम नहीं बना था तो हम लोग अपने घर पे कपड़े तान के तब नहाते थे, तब हवा चलती थी तभी बहुत दिक्कत होती थी और सारे लोग जैसे बाहर निकलते थे तो क्या किसी को हम रोक भी नहीं सकते थे, सभी लोग निकलते थे तो इससे हम लोगों को नहाने में ज़्यादा परेशानी होती थी। हम लोग ने 3,000 रुपये दिया है और तब ये बना हुआ है। खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही बेहतर एक्टिविटी हुई, लेकिन जिन लोगों को पाया गया कि उनके पास 3,000 का भी कंट्रीब्यूशन देने की क्षमता नहीं है, तो वो फिर हमने कम्युनिटी बाथरूम बनाए ज़्यादातर जल स्रोतों से थोड़ा दूरी पे, जहाँ पे हैंडपम्प लगे हैं या कुआं है। एक थोड़ा सा उसमें और एरिया दिया गया कि जिसमें अगर पुरुष हैं वो भी नहाना चाहें हैंडपम्प से दूर, क्योंकि हैंडपम्प का ज़्यादातर लोग पीने के पानी में भी उपयोग करते हैं, तो उस प्रदूषण से भी बचा जा सके और महिलाओं को थोड़ा सुरक्षित वातावरण मिल पाए और खुली जगह पे जो एरिया है उसमें वो बैठ के अपने कपड़े भी धो सकते हैं कि वो हैंडपम्प से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। ये मुख्य एक्टिविटी दोनों रहेंगी। जब से ही हमको मिला है तो हम लोग अच्छे से नहाते हैं अंदर, हर खुशियां से नहाते हैं। हमको बहुत गर्व है कि ताकि हमको भी मिला, हमारे फ्रेंडों को, पूरे गाँव की बहन बेटियों की इज्जत मिली है। तो अब बन गया है तो यहाँ नहाते हैं और तब नहीं अच्छा लगता था जो है क्या मतलब सारे लोग जिसे देखते थे तो अपने हिसाब से बिहेव करते थे। अब हम लोगों के यहाँ है कि अब अपनी इज्जत भी बच जाती है अच्छे से, कोई देख भी नहीं पाता है।